भाई, चलो भाई सीधी लाइन रखो, चलते बढ़ो, बढ़ते चलो। ओ अमिताभ बच्चन, क्यों नई लाइन लगा रहा है? जा पीछे जाके खड़ा हो जा। अरे भैया मैं तो बस देख रहा था भंडारे में क्या क्या बना है। देख लिया, पूरी सब्जी और हलवा है, खाना तो पीछे लग जा। हट जा। देख कहाँ घुसो चलवा रहा है, हम तो पागल वागल है, आधे घंटा से लाइन में खड़े हैं ससुर, जा पीछे। प्रसादी तो खाना है, लाइन में पीछे लग के खा लेंगे। भाई साहब, आदमी ने अपने आप को सियाना और दूसरे को बावला समझता है। अरे लग जा यार पीछे। हाँ भाई साहब, चलते रहो, भगवान का प्रसाद लेते रहो। चलो भाई। भाई साहब दो पूड़ी और दे दो। भाई पहले ही नहीं तो खा ले भाई, बाद में फिर ले लियो। अरे भाई साहब उसके लिए फिर से लाइन में लगना पड़ेगा। अरे तो लग जाइयो लाइन में, कौन सी आफत आ गई, दूसरों का तो नंबर आन दे। चल जल्दी हट साइड में को। ला भैया जाओ धर दियो। कौन भैया? इसमें सब्जी और इसमें पूरी डलवा दो। कहाँ घुसो चलो आ रहे हो? चुप रहे, चाचा जी देखियो। ओ साथ है मेरे स्टाफ का, भतीजा है मेरा। अरे नीरज भाई अभी तो भंडारा शुरू हुआ है, देखना रहा कितनी लंबी लाइन लग रही है, पिन्नी में बाद में ले जाइए भाई, पहले इन्हें तो खिलाने दे। और का भैया सही तो कह रहे हैं। पवन बाद में क्यों लेके जाएगा, पूरी सब्जी गर्म निकल रही है, भर देना पिन्नी। ला मैं पूरी रखूं। अरे यार गुप्ता जी आप भी कमाल करते हैं, अभी अभी भंडारा शुरू हुआ है और आपने घर पे पूरी सब्जी भेजना स्टार्ट कर दिया। अरे हम क्या पागल है गुप्ता जी, सुबह से खड़े होकर यहाँ मेहनत कर रहे हैं, कभी मंडी जा रहे हैं, कभी हलवाई के पीछे दौड़ रहे हैं। अरे हम भी तो भेज सकते हैं अपने घर खाना। अरे तो भेज दो ना, रोका किसने? अरे कुछ तो शर्म कर लो गुप्ता जी, जिन लोगों के लिए हम भंडारा कर रहे हैं पहले उन्हें तो खिलाने दो। हाँ भैया लाओ लाओ दो। अरे भाई 2 मिनट रुक जा, वैसे ही दिमाग खराब हो रहा, भंडारा बांटने बैठे हैं ना, दे देंगे सब। अरे पवन जी मैंने तो आपसे पहले ही मना किया था कि गुप्ता जी को भंडारे में शामिल मत करो, इनका तो हमेशा से यही रहता है। अरे तो फ्री में थोड़ी भेज रहा हूँ, पूरे 1100 रुपए का चंदा दिया है। गुप्ता जी चंदा हम लोगों ने भी दिया है, लेकिन हम आपकी तरह भुक्कड़ और बेसब्र नहीं है। अरे भाभी क्यों झूठ बोल रही हो, मैंने खुद देखा है आपका छोटे वाला लड़का सौरभ पतीला भर के हलवा लेके गया है घर। अच्छा जी, तभी मैं कहूँ तुम सबको हलवा इतना कम क्यों दे रही हो? हाँ भैया हलवा तो कम है। अरे तुम मैंने छोड़ो हमें, तुम पूरी सब्जी दे दो। हाँ भैया जल्दी है, तो भूख लग रही है। हाँ भैया। अरे भैया 2 मिनट का सबर कर लो, भंडारा बांटने कोई खड़े हम यहाँ, लेकिन हमारे लोगों ने दिमाग खराब कर दिया, पहले इनसे तो निपट लूं। हद हो गई इन लोगों की, भगवान के प्रसाद में भी चोरी कर रहे हैं। अरे तो हमारी भी तो भागीदारी है इसमें। ने भागीदार हो ना तुम, ये पकड़ो जी अपने चंदे में दिए हुए पैसे और निकलो यहाँ से, पीछे को हो जाओ, चलो। बहुत सही किया पवन जी, ऐसे लोगों को ना ऐसे ही सबक सिखाना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हो भाभी जी, तुम्हारे कितने थे चंदे में? 551 रुपए ना, ये लो आप 600 रुपए पकड़ो और जल्दी से यहाँ से जाओ, पीछे को हट जाओ। लेकिन पवन भैया। लेकिन लेकिन कुछ नहीं भाभी जी, बहुत देर से देख रहा हूँ तुम लोगों का ड्रामा। तुम दोनों को एक बात बता दूं, ये भंडारा हमने किस लिए रखा है? इसलिए ना कि ज्यादा से ज्यादा गरीब और भूखे लोगों का पेट भर सके और ये भगवान का प्रसाद जरूरतमंदों में बांट सके। किसी गरीब ने 2 पूरी ज्यादा मांग ली तो उससे मना कर दिया और घर के लिए पिन्नियां भरी जा रही हैं। चंदा देने का मतलब ये नहीं होता है कि 100-200 रुपए देके उससे ज्यादा का खाना घर भिजवा दो। ये प्रसाद है, इसे प्रसाद की तरह ही ग्रहण करना चाहिए। हाँ भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। चाचा जी इन पन्नियों का क्या करूं? नीरज पिन्नी उधर फेंक दे और लाइन में लग जा, बांट लो चलो। सीधे खड़े हो जाओ, सीधे खड़े हो जाओ, लेते चलो भगवान का प्रसाद लेते चलो। हाँ बेटा सौरभ, वो जो तू हलवा लेकर के गया था ना यहाँ भंडारे से, वो वापस ले आ, यहाँ पे ना कम पड़ रहा है।